हैं मिस्टर हुसैन, जो कि समाज सेवक एक हैं। इनका पार्टी का भी यही सिंबल है। राष्ट्रवादी पार्टी में समाज सेवक का सेल संभालते हैं। इन्होंने कोरोना काल में लोगों की किस तरह से सेवा की है, और अभी जो रोडों में प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, ये किस तरह से अपने वार्ड को संभालते हैं, जो कि इन्होंने इनका कहना है कि ये मलाड के तालुका अध्यक्ष हैं। तो ये किस तरह से अपने काम को लेते हैं गंभीरता से, इनसे हम जानेंगे। तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप मलाड के तालुका अध्यक्ष हैं, तो किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पक्ष की तरफ से, मेरे व्यक्तिगत तरफ से, देश के प्रधानमंत्री को मैं उनके 70वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। और रही कोरोना की बात, जो आज हमारा देश इसे जूझ रहा है, जो बीमारी से जूझ रहा है, आपको पता होगा कि आज हमारा देश में 51 लाख तक जो ये संक्रमण है कोरोना का पहुँच चुका है, जिसमें से 84,00,000 लोगों की मौत हुई है। जब शुरुआत में, जब यहाँ पे कोरोना की 30 जनवरी 2020 में इस कोरोना की पहला केस हमें केरला में पाया गया था, जो वुहान शहर से हमारे देश में आया था, उस वक्त हमारे विरोध ऑपोजिशन ने भी इस बात को कहा था, सरकार को, सेंट्रल के गवर्नमेंट को कहा था कि इसको रोका जाए। हालांकि आने वाले वक्त पे इससे काफ़ी तकलीफें होगी, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए 24 और 25 को जो हमारे US के राष्ट्रपति के आने की सब तैयारी चल रही थी, दीवारें बनाए जा रहे थे गरीबी को छुपाने के लिए, उसके कारण आज ये हमारे हाल, आज 84,000 लोगों की जाने हमारे देश में गई है। इस मैं पूछना चाहूँगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो हमारा देश, आज जो इकोनॉमिक में इतना माइनस, आपको पता होगा GDP -25 पे पहुँच चुकी है। ये तो रही सेंट्रल की बात, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में महाआघाड़ी सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने, आपको बता चाहूँगा कि 2.5 महीने में 48,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 48,000 में से अभी तक काफ़ी लोगों का रिकवरी रेट आया है। महाराष्ट्र में आज आपको अभी तक तो 30,000 लोगों की जानी गई है, जिसमें से 11 लोग संक्रमित पाए गए कोरोना में, और काफ़ी लोगों की जान अभी भी रिकवरी चालू है, मतलब लोग काम कर रही है सरकार। आपको और कि मैं पते की बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुंबई जैसे शहर में 100 जैसे लेबोरेटरी बनाए गए हैं, जिसमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव लोगों को जांच के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए 100 ऐसे सेंटर, लेबोरेटरी सेंटर बनाए गए। 20 मेडिकल कॉलेजों को डाइवर्ट किया गया है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर और ICU वार्ड बनाया गया है, जिससे लोगों की जान बच सके। इस तरह से आपको पता होगा कि मुंबई में जैसे रह गए हमारे BKC, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर है, यहाँ पे गोरेगांव में जो स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे गोरेगांव में बनाया गया है एग्जीबिशन सेंटर। जैसा कि आपने बताया कि BKC में कोरोना के लिए बनाया गया है, तो कोरोना बनाया जो गया है, तो आज के जो युग है, सारे हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जो भी मरीज जाता है उसको XYZ जो भी बीमारी हो, उसके रिपोर्ट पे यही दिया जाता है कि कोविड सस्पेक्टेड अगर लिखा है, तो क्या BKC में उसको एडमिशन दिया जाएगा, उसको लिया जाएगा? सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये जांच की जाती है, क्योंकि ये पहले सबसे जो भी जाता है वो पहले जाता है प्राइवेट लेबोरेटरी में, अपनी जाँच करता है। कुछ लोग पर मैं मानता हूँ इसमें काफ़ी सारे हुए हैं, लेकिन उस पर सरकार भी गंभीरता से इस पर कार्रवाई कर रही है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि लोग उस लेबोरेटरी पे एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सरकार की तरफ से जितना हो सके उतना लोगों को जान बचाने की कोशिश की जा रही है। सर, ये मेरा सवाल नहीं था, सस्पेक्टेड जो डॉक्टर लिखते हैं अपने फायदे के लिए जी, क्योंकि सस्पेक्टेड अगर लिख दिया जाता है तो जिस हॉस्पिटल में आप हो उसके अलावा दूसरे हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते, कोई दूसरा हॉस्पिटल वाला आपको नहीं लेगा जी। इसके ऊपर बताइए कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, क्या दूसरे हॉस्पिटल वाला लेता है? दूसरा हॉस्पिटल की बात नहीं, अगर ऐसा कोई पाया जाता है पेशेंट के जिसपे कोविड, अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है अगर कोई हॉस्पिटल, तो उस पर सरकार अगर ऐसा हमारे तरफ आता है तो हम ज़रूर, हमारे पास भी बीच में ऐसा आया था मलाड का केस, जो हमने पर्सनली जाके उस पर कार्रवाई की थी हॉस्पिटल पर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल है जो इस तरह की हरकतें कर रही है, लोगों से गलत तरीके से व्यवहार से पैसे कमाने के काम कर रहे हैं, जिसपे हमारे पूरे सक्षम में हम लोग, अगर ऐसा हमारे
आदरणीय पवार साहब ने भी, हमारे मुंबई अध्यक्ष सुनील शिंदे साहब जो मुंबई अध्यक्ष सामाजिक न्याय के, उन्होंने उनके आदेश पे हम अपना काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई आता है हॉस्पिटल पे, अगर कोई सस्पेक्ट आता है हमारे पास, तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई करेंगे और उस लेबोरेटरी पे कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की कोई हरकतें करते हैं। हमारे पास तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि 100% हर हॉस्पिटल में कोविड सस्पेक्टली किया जाता है ताकि उसको फंसा दिया जाए और दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहे तो भी ना जा पाए। ऐसे तो आपने ऐसे किसी हॉस्पिटल के बारे में सुना जिसके ऊपर आपने कार्रवाई की, आपकी टीम ने जाकर वहाँ बातचीत? लाइफलाइन का एक मेरे पास आया था, जैसा मलाड क्षेत्र में ये मेरे तालुका में ये ऐसे लाइफलाइन का आया था जिसपे हमने जाके बात भी किया था उनके ऊपर, तो फिर उन्होंने खुद माना था ये गलती को। लेकिन जितना हो सके, मैं बताया आपको, जितना हो सके हमारे पास जितने केस आते हैं हम उसको न्याय दिलाने का, उस इंसान को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा सर, जैसे कि लॉकडाउन में लोगों ज़्यादातर लोग पार्टियाँ दिखाने के लिए राशन बांट रही थी, सैनिटाइजर बांट रही थी, आपने देखा होगा कि हमारे ज़्यादातर नगर सेवक हो या MLA हो या MP हो, सैनिटाइजर के दिखाने हैं, सैनिटाइजर बांटने आ जाते हैं और अपने सारे जो काम उनके जो काम होने चाहिए उसको छुपा कर सैनिटाइजर बांटते हुए हमेशा दिखाई देते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी भी सत्ता में है जी, तो कहीं ना कहीं ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि सैनिटाइजर बांटना एक नगर सेवक का काम नहीं होता जी। आज सभी जो अपने अपने जो जो सक्षम है, जितने भी नगर सेवक काम कर रहे हैं, मैं किसी को ऐसे वक्त में किसी का विरोध करना नहीं चाहूँगा, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कुछ लोग हैं इसमें जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे, आज जिन लोगों की नगर सेवक की ज़रूरत है जो उन तक नहीं पहुँच पा रही, नगर सेवक को जो एक्चुअल में काम करना है वो नहीं कर पा रहे, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, करना ही नहीं चाहते हैं, करना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन अभी मैं यही आपके चैनल के माध्यम से भी देख लीजिए, कोरोना के आड़ में सारे काम छोड़ रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन बेहिसाब चल रहे हैं, आपने देखा होगा, इलीगल होटल्स तैयार हो रहे हैं, आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी हम हमेशा इसी बात हुई कि कोरोना काल है करके सारे काम को छोड़ दिया गया, तो ये तो एक बहाना हो गया कोरोना काम ना करने के, इस पर आप क्या कहोगे जी? हम मैं जैसे कि कहा कि अगर ऐसा कुछ हमारे सामने अगर आता है तो हम एक मैं एक तालुका अध्यक्ष होने के नाते हमारा मेरा कर्तव्य है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस चीज़ को लेटर लिख के लोगों तक उसकी सुविधा लोगों तक पहुँचाऊँ, कि अगर जैसा कि रहा राशन का सवाल, जैसे कि रहा हॉस्पिटल का सवाल, हमारे व्यक्तिगत मैंने खुद इतने लोगों के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों तक राशन पहुँचाने का काम किया हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, रहा मेडिकल का सवाल उन तक मेडिकल पहुँचाने, मेरे पास एक अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक बच्चे का केस आया था जिनके पास बोलते हुए दुख होता है कि उनके पास एक बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग भी लोग आज हमारे, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा जो स्थानीय लोग है, कुछ लोग ऐसे जो अच्छे ऊपर लेवल पर पहुँचने के बाद भी वो लोगों का काम नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूँगा आज लोग, आपको पता है जिसका मैंने आपको सेंट्रल का मैं वापिस जाना चाहूँगा कि -25 जो GDP पहुँच गए, आज लोगों के पास रोज़गार नहीं है, आज लोगों के पास अपना से जो काम करते थे उनका सब के काम चले गए, आज लोग इतनी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं ना। सेंट्रल की तरफ से मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज का डिक्लेरेशन दिया था, मैं पूछना चाहूँगा 20 लाख करोड़ रुपये गए किधर? आज लोग लोन के लिए जो लोग बैंक वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो छोटे फर्म के बिजनेस है वो बंद हो चुके हैं, ये सब कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहूँगा ये 20 लाख करोड़ रुपए किसके पास गए? सिर्फ ये ऊपर वाले लोगों के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया था जी। सरकार से पूछना है कि क्या हो रहा है, तो आप तो खुद पार्टी में इतने बड़े लेवल पे एक लेटर लिख के भी डाल सकते हैं, आरटीआई की थ्रू डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप मालवनी और मलाड़ की बात में आप तालुका अध्यक्ष जी, कि मुझे लगता है कि वो आपको करना चाहिए, आपको तो सिर्फ मलाड़ के फायदे के लिए कुछ सोचना चाहिए, ज़्यादातर आपका ध्यान मलाड़ पे होना चाहिए, वो भी करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मलाड़ पे फोकस करना चाहिए। मलाड़ के ऊपर ही मैं जैसे कि मैंने बताया आपको लॉकडाउन में हमने जितना हो सके मलाड़ तालुका में सबसे गरीब क्षेत्र ये मालवनी का क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत बड़ा स्लम, एक स्लम एरिया कहा जाता है मालवनी जो क्षेत्र को, एक बहुत बड़ा स्लम है जहाँ पे जितना ज़्यादा स्लम होगा उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होगी उस एरिया में। जितना एक सामाजिक आज एक पद अधिकारी होने के नाते मेरे से जितना हो सका मैंने इस क्षेत्र में लोगों को राशन से लेकर मेडिकल से ट्रीटमेंट से लेकर जो हो सके, बीच में मैंने मेडिकल कैंप भी लगाया था जिसमें लोगों को, और मेरा एक संस्था है जो रुग्ण हक परिषद के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का मैंने काम किया,
ऐसे काफ़ी सारे काम है जो मैं अपने बलबूते पे अपने व्यक्तिगत तरीके से मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ। पाँच नंबर में एक नाले का घर था जो गिर गया था, उसमें दो लोगों की जान चली गई थी जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया था, तो उसमें आप जिम्मेदार किसको मानोगे? जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इलीगल तरीके से बनाया था, या पुलिस ने अपनी आँखें उस वक्त बंद की थी, या बीएमसी की जो परमिशन जो ऑफिसर्स देते हैं रिश्वत लेकर बोला जाए, या परमिशन उन्होंने नहीं दिया, उन्हें रिश्वत खिलाकर दूर रखकर बना लिया गया, उसमें किसको मानोगे? इसमें तो मैं सबसे पहले तो बीएमसी के अधिकारी, इस भ्रष्ट अधिकारियों को मैं इसमें जिम्मेदार मानूंगा। जब ये कंस्ट्रक्शन बनता है, इन तक कंप्लेंट तक जब जाती है, तो ये अपनी कमाई के जरिए, ये गलत कमाई के जरिए इस तरह का परमिशन दिया जाता है। तीन तीन माले आज खड़े हो गए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो सबसे पहले जिम्मेदार इसको बीएमसी को ही मान रहा है। जैसे कि घर गिरने के बाद ही आपने देखा होगा जोरों शोरों से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो क्या आपने कभी इसकी बराबर उठाई है? जी जरूर, क्यों नहीं उठाई है आपने? जी जी वाले उठाए, लेटर भी डाला काफी, जितना हो सकता। मैंने कहा ना, इसमें कुछ लोग ऊपर वाले भी इन्वॉल्व है, उनको अच्छी खासी कमाई मिल जाती है, इसके लिए बीएमसी अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते। मैं बीएमसी अधिकारी से भी कड़ी चेतावनी देना चाहूँगा, अगर आने वाले वक्त पे अगर इसी तरह आप लोग का इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहा, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मोर्चा खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं और मेरे कार्यकर्ता आपके बीएमसी के अधिकारियों के सामने मोर्चा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज हमने राष्ट्रवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष मिस्टर हुसैन जी से बात किया, उन्होंने अपने पद पे रहते हुए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं उन्होंने हमें बताया। हमारा चैनल देखते रहिए आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।